नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामलों में 13% कमी देखने को मिली है और इस अवधि में 795 नए मामले सामने आए हैं। नए केस के साथ ही देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 43,29,839 पर पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 12,054 पर है। इस घातक वायरस को लेकर के पिछले 24 घंटे में 1,280 लोगों ने इसे मात भी दी है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 4,24,96,369 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामलों में 13% की कमी देखने को मिली है और इस अवधि में 795 नए मामले सामने आए हैं। नए केस की संख्या के साथ ही देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 4,30,29,839 पर पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 12,054 है। इस घातक वायरस को पिछले 24 घंटे में 1,280 लोगों ने मात भी दी है। वहीं अब तक कुल मिलाकर के 4,24,96,369 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जोमैटो के लिए एक बुरी खबर है। सीसीआई ने जोमैटो के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दरअसल 21 फरवरी को हमारे सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस ने खबर दी थी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जोमैटो के खिलाफ ज्यादा कमीशन लेने का और ग्राहकों की निजी जानकारी के दुरुपयोग को लेकर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की थी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से अपील की है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर 20 अप्रैल तक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और जनता के बीच जाकर काम करने को लेकर कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें भाजपा संसदीय दल की बैठक में कही है। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रतिदिन एक बड़ा आयोजन करने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को कहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अन्य सियासी दलों की तुलना में ज्यादा चंदा मिलता है। भाजपा ऐसा भी दल है जिसे सबसे ज्यादा चंदा कॉरपोरेट डोनर से मिलता है। 2025 कॉरपोरेट डोनर से भाजपा को एक साल में 720.407 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सामने आई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है, जिससे राज्य में जिलों की संख्या अब 26 हो गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नए जिलों के गठन के लिए प्रदेशवासी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। अपराधियों का बायोमेट्रिक नमूना लेने और उसे 75 सालों तक सुरक्षित रखने का पुलिस का अधिकार देने वाला दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। विपक्ष ने विधेयक के कई प्राविधानों के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए इसे संसद की स्थायी समिति में भेजने की मांग की है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष की आकांक्षाओं से जवाब देते हुए विधेयक को आपराधिक न्याय प्रणाली को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का हिस्सा बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम अभियान के रूप में किया जाए। सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 50,000 रोजगार के अवसर देने की घोषणा की है। दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने अगले 5 सालों में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। श्रीलंका के हालात हर रोज खराब हो रहे हैं। कैबिनेट रविवार को ही इस्तीफा दे चुकी है और सोमवार को राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे ने जिन 4 नए मंत्रियों की नियुक्ति की थी उनमें से एक वित्त मंत्री अली सबरी ने नियुक्ति के एक दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया है। इस बीच राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन यदि किसी के पास बहुमत का आंकड़ा है तो वो उसको सत्ता सौंपने को तैयार है। भारत सरकार ने 22 YouTube चैनल को ब्लॉक कर दिया है। आईटी नियम 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय YouTube न्यूज चैनल ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद 4 YouTube न्यूज चैनल को भी ब्लॉक किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर भारत सरकार ने 22 YouTube न्यूज चैनल पर कार्रवाई की है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम रजक और लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान के बीच सोमवार को मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात विशुद्ध रूप से सियासी रही। राजद और लोजपा रामविलास की नजदीकियां औपचारिक तौर पर बढ़ने लगी हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने खुलकर सियासी संकेत भी दिए हैं। इसके साथ ही आज ही चिराग पासवान ने पप्पू यादव से भी मुलाकात की है। झारखंड में गठबंधन सरकार के बीच मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। गठबंधन में शामिल दलों के बीच मतभेद से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष समेत झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं को आज दिल्ली तलब किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक झारखंड में गठबंधन सहयोगियों में तनातनी के बीच कांग्रेस ने दिल्ली से झारखंड से जुड़े कुल मिलाकर के 25 कांग्रेस नेताओं को 5 अप्रैल को एक बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इस बैठक में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष, झारखंड सरकार में 4 कांग्रेस मंत्री, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कुछ विंग के अध्यक्ष शामिल होंगे।
श्रीलंका की खराब हुई आर्थिक हालात को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि सरकार इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि श्रीलंका की परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, भारत भी उसी मोड़ पर है, हमें इस परिस्थिति को संभालना होगा, नहीं तो श्रीलंका से भी ज्यादा खराब स्थिति हमारी हो सकती है। बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में हालात खराब है। अमेरिका की संस्था अलाइड मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार 73% तक बढ़ सकता है। ये बढ़ोतरी साल 2030 तक होने का दावा किया गया है। दावे के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और चीन अपने परमाणु आयुध भंडार को बढ़ाएंगे, जिससे ये वृद्धि तेज हो सकती है। इस वजह से बाजार का आकार 12,600 करोड़ डॉलर के पार जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में इस बाजार का आकार 7300 करोड़ डॉलर था। हरियाणा के सोनीपत में 297 किलोमीटर लंबी सड़क और 2872 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क विकास की कुंजी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विकास के लिए हर चार चीज जरूरी है, पानी, बिजली, परिवहन और संचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेहतर सड़क नेटवर्क को विकास की कुंजी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश में सड़क संपर्क में सुधार के लिए कदम उठा रही है। विप्रो के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड तारीख 6 अप्रैल है। आईटी कंपनी विप्रो ने फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए 5 रुपए प्रति शेयर देने का ऐलान किया है। दोपहर 1:30 बजे विप्रो के शेयर 0.66% नीचे 601.50 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। अंतरिम डिविडेंड के लिए विप्रो ने रिकॉर्ड डेट बुधवार 6 अप्रैल तय किया है। रिकॉर्ड डेट के मायने है कि इस तारीख तक जिन लोगों के पास विप्रो के शेयर होंगे उन्हें ही डिविडेंड मिलेगा। कंपनी 24 अप्रैल या उससे पहले 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दे सकती है। एमपी में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, किंतु कांग्रेस इसकी तैयारी में भी सही जुट गई है। सोमवार शाम को पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई। इसमें 2023 चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पर घेरना है उस पर योजना बनाई गई है। बैठक में निर्धारित हुआ कि 2023 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी आप जो पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी सफलता के बाद पूर्वोत्तर में अपने आधार का विस्तार करने की योजना बना रही है। उसने ही 22 अप्रैल को गुवाहाटी नगर निगम जेएमसी के चुनाव में 40 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आपके असम राज्य समन्वयक भावेन चौधरी ने सोमवार को कहा है कि पार्टी ने कुल 60 जीएमसी वार्डों में से 40 में उम्मीदवार उतारे हैं और वो अधिकांश सीट जीतकर बोर्ड बनाएगी। एलन मस्क अपने ट्विटर पर हमेशा ट्वीट के लिए चर्चा में रहते हैं। आज वो ट्विटर के मेजॉरिटी शेयर खरीदने को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने 9.2% हिस्सेदारी के तहत ही करीब 21,000 करोड़ रुपए में 73.5 मिलियन ट्विटर शेयर खरीदा है। ताज्जुब की बात यह है कि जितना रुपया एलन मस्क ने ट्विटर के शेयरों में खरीदने में खर्च किया है उससे 5 गुना से ज्यादा उन्होंने अपनी नेटवर्थ में जोड़ लिया है। निर्देशक राजमौली के RRR ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रामचरण और जूनियर NTR की फिल्म RRR तकरीबन 900 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। ऐसे में RRR के मुख्य अभिनेता रामचरण ने सोने के सिक्के बांट दिए हैं और रामचरण ने फिल्म की बम्पर सफलता से खुश होकर क्रू सदस्यों को सोने के सिक्के तोहफे में दिए। अडानी विल्मर के शेयर पिछले कुछ दिनों से शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी के शेयर आज 5% की तेजी के साथ 580.20 रुपए पर पहुंच गए। ये इसका अब तक का सबसे अधिक प्राइस है। BSE पर कंपनी के शेयर 8 फरवरी को 221 रुपए पर लिस्ट हुए थे। इस हिसाब से अडानी विल्मर के शेयर 2 महीने में अपने निवेशकों को 162.53% का जोरदार रिटर्न दे रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के पुत्र फैजल पटेल ने मंगलवार को अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कहा है कि वो इंतजार करते हुए थक चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे। उन्होंने ट्वीट किया, इंतजार करते हुए थक गया हूं, टॉप लीडरशिप से कोई उत्साह नहीं मिला। येस बैंक ने चौथे तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी करते हुए मंगलवार को कहा है कि मार्च 2022 में समाप्त तिमाही के दौरान बैंक के डिपॉजिट 1,97,281 करोड़ रुपए रहे, जो तिमाही आधार पर 7% और वार्षिक आधार पर 21% ज्यादा है। दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही में बैंक के डिपॉजिट 1,84,288 करोड़ रुपए और मार्च 2021 में समाप्त तिमाही में 1,62,947 करोड़ रुपए है। देश में सबसे पुराने बिजनेस स्कूल XLRI में अब ऑनलाइन मोड में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की पढ़ाई हो सकेगी। इसको लेकर सोमवार को XLRI प्रबंधन ने नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के 3 नए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए हैं। 2 साल की अवधि वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस में विद्यार्थी ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर सकेंगे।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान पेंटागन ने कहा है कि भारत द्वारा सैन्य और रक्षा उपकरण की खरीद में विविधता लाने में अमेरिका उत्साहित है। इसके साथ ही पेंटागन ने नई दिल्ली में रूस के से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के निर्णय पर चिंता जताई है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि इस खरीद पर हमारे भारतीय साझेदारों के साथ ही हमारा स्पष्ट रवैया है। हम आग्रह करते हैं कि अन्य देश रूस के उपकरण ना खरीदे। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा पिछले सप्ताह जब भारत आए थे तो उनको अनौपचारिक बातचीत में बताया गया था कि कैसे उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांगी से कह दिया कि हमें लोन की नहीं अनुदान की जरूरत है। देउवा ने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए चीन से कर्ज की जरूरत नहीं है। तथ्य यह है कि चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत नेपाल ने कोई भी करार नहीं किया और काठमांडू से वांगी खाली हाथ लौट गया है। नेपाल के इस फैसले को दक्षिण एशिया के अन्य देश के मुकाबले समझदारी भरा ही कहा गया है। सैनिक स्कूल में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ कैटेगरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक है वो आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल 2022 है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सैनिक स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ कैटेगरी के पदों पर नौकरी के इच्छुक हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। तुर्की में वार्षिक मुद्रास्फीति सोमवार को 61.14% पर पहुंच गई जो 20 साल का शीर्ष स्तर है। इससे परिवार के लिए जीवन यापन का संकट गहरा गया है। तुर्की सांख्यिकी संस्थान ने कहा है कि मार्च में उपभोक्ता कीमतों में पिछले महीने की तुलना में 5.46% की वृद्धि हुई। वार्षिक मुद्रास्फीति फरवरी में 54.44% से ऊपर थी। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक वार्षिक मूल्य वृद्धि परिवहन क्षेत्र में 99.12% थी जबकि खाद्य वस्तुओं में दाम 70.33% बढ़े। ये मार्च 2002 के बाद सालाना आधार पर सबसे बड़ी वृद्धि है। एनसीईआरटी की किताब में हर्ष मंदर की लिखी कहानी छापने पर विवाद हो गया है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एनसीईआरटी से जवाब मांगा है। बता दें कि 9वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर हर्ष मंदर ने लिखा है जिसमें आपत्ति जताई गई है। एनसीईआरटी से कहा गया है कि उसको एक हफ्ते में जवाब देना है। IIFL सिक्योरिटीज के आर वेंकटरमन ने मनी कंट्रोल में हुई बातचीत में कहा है कि आगे हमें उन कंपनियों के मुनाफे में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो कमोडिटीज का उत्पादन करती है। वहीं कर्ज देने वाली फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों के वित्त वर्ष 2023 के अर्निंग अनुमान में कोई बड़ी कटौती की संभावना नहीं है जबकि इसी अवधि में निफ्टी की अर्निंग में 1-2% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामचंद्र कुमार पासवान, अंतोष आर्या, नुन्नू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मिथिलेश कुमार, चंदन गुप्ता, हिमांशु कुमार, अनुपम शर्मा, स्वीटी सिंह, सुजीत कुमार, श्रवण कुमार, धनंजय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत में कम हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए क्या आपके आसपास अभी भी लोग गाइडलाइन का करते हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।